हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, पूरा गाइस यूट्यूब में वायरल हो चुका है, हर जगह वायरल हो चुका है कि गाइस फ्री फायर कुछ दिनों के अंदर अनबैन होने वाला है। तो गाइस देखो, मैं भी आप लोगों को उसके बारे में कुछ चीज बताऊंगा जो कि गाइस एकदम कन्फर्म न्यूज है और गाइस मेरे को पर्सनली पता चला है। तो गाइस देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओ कि बहुत ही ज्यादा ओपी न्यूज है, बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूज है। और जो न्यूज आप लोग मतलब एक दो साल से वेट कर रहे थे, जब से फ्री फायर बैन हुआ है तब से जो न्यूज आप लोग वेट कर रहे थे, वही न्यूज गाइस आज मेरे पास आया। तो गाइस आज तो बहुत खुशी का दिन है। तो गाइस आप लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, सही बंदा लाइक कर दो, बहुत ही ज्यादा ओपी वाला न्यूज है। फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो, 10K लाइक्स फटाफट कर दो। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गाइस कुछ दिनों के अंदर हमारा जो फ्री फायर गेम है वो गाइस ऑफिशियली अनबैन होने वाला है। वैसे तो गाइस फ्री फायर मैक्स तो चल रहा है, बट जो फ्री फायर था वो बैन हो चुका था, और वो जो नॉर्मल वाला जो फ्री फायर है ना वो गाइस अनबैन होने वाला है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पोस्ट दिखा देता हूँ। अब ये जो पोस्ट है ये गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। सो गाइस देखो, ये न्यूज जो जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनको आई थिंक पहले ही पता चल गया होगा। अब गाइस देखो, जो मीटिंग हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ गरीना का एक मीटिंग हुआ है। अब जो मीटिंग हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस मीटिंग में ये था कि मतलब गेम के अंदर जो ई स्पोर्ट्स है ना, अब ई स्पोर्ट्स नॉर्मली फ्री फायर का भी, पबजी का भी, हर गेम का जो ई स्पोर्ट्स है उनको ग्रो करना है। अब गाइस देखो, आपको तो पता ही है इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी कितना ज्यादा बड़ा है, और उसमें जो जो इनकम होता है ना उनका जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे कि गाइस देखो, मैं यूट्यूब से कमाता हूँ तो मेरा भी कुछ मतलब जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ही लेता है। तो ऐसा करके बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, यूट्यूबर्स है, तो सबका टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उनका अलग से फंड मिलता है। तो अगर ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा तो मतलब पैसा भी उनका ज्यादा मिलेगा ना। अभी जैसे कि ई स्पोर्ट्स डाउन है तो उनको ज्यादा फंड नहीं मिलता है, तो ई स्पोर्ट्स अगर ग्रो होगा तो ऑटोमेटिक उनके पास भी पैसा आ जाएगा, टैक्स के हिसाब से पैसा आ जाएगा। अब गाइस देखो, ई स्पोर्ट्स तो ग्रो होगा, बट गाइस देखो ऐसा नहीं कि ई स्पोर्ट्स ग्रो हो जाएगा, गेम अनबैन हो जाएगा उसके बाद ही गाइस ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा। क्योंकि गाइस देखो, एक गेम जो बैन पड़ा हुआ है उसमें ई स्पोर्ट्स कैसे हो सकता है यार, बड़े बड़े कंपनी नहीं आएंगे, पैसा नहीं देंगे। तो एक गेम जब भी मतलब अनबैन होगा तभी उसमें ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा ना। और ऐसा तो नहीं गाइस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर गेम अनबैन हो जाए, पूरा का पूरा इंडिया के अंदर ही गेम अनबैन हो जाएगा। और ये न्यूज गाइस 100% कन्फर्म है, ऐसा आप लोग मत सोचो कि ये वाला जो न्यूज है ये फेक है, ये 100% कन्फर्म है। और ये गाइस बहुत ही जल्दी हमारे गेम में मतलब फ्री फायर जो है ये अनबैन हो जाएगा और ई स्पोर्ट्स भी ग्रो हो जाएगा। तो गाइस देखो, अगर आप लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हो तो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है, और अगर आप लोग ई स्पोर्ट्स के लिए ग्राइंड करो तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है। वैसे गाइस अगर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अभी मतलब आप लोग ई स्पोर्ट्स कैसे खेल सकते हो, ई स्पोर्ट्स से कैसे पैसे कमा सकते हो गेम खेल के, उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला दूंगा। और गाइस देखो, और भी मेरे को एक न्यूज पता चला है जो ये गाइस देखो, अभी कुछ दिनों के अंदर हमारे गेम में एडवांस सर्वर आने वाला है। तो गाइस देखो, नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को क्या पूछेगा कि आप लोग अबव 18 हो या फिर अंडर 18 हो। अगर गाइस आप लोग अबव 18 हो गए तब तो गाइस आप लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए गेम खेल पाओगे, बट गाइस अगर आप लोग बिलो 18 हो गए ना तब गाइस आप लोग ज्यादा देर के लिए गेम नहीं खेल पाओगे। तो ये भी गाइस एक प्रूफ आता है कि हमारा गेम जो बहुत ही जल्दी मतलब अनबैन होने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, ये सब नोटिस आई थिंक गवर्नमेंट ने दिया होगा कि तुम्हें ये करना है, मतलब स्टडी में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बच्चों का। तो सब कुछ जो जो गवर्नमेंट ने फ्री फायर को रूल्स दिए वो सभी एक्सेप्ट करके फ्री फायर बहुत ही जल्दी अनबैन होने वाला है। और ये फ्री फायर अनबैन बहुत ही जल्दी जल्दी होगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मतलब एक दो महीने के अंदर भी हो सकता है, नेक्स्ट वाला जो अपडेट है उसके अंदर भी हो सकता है। अभी देखते हैं यार, मतलब फ्री फायर सरप्राइज देगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पहले से बता देगा, पहले से कभी नहीं बताएगा, 2-3 दिन पहले बताएगा कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, फिर ऑटोमेटिक अनबैन हो जाएगा, ऐसा ही सीन है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नॉर्मली गेम खेलो, मजे से गेम खेलो, मेरा वीडियो देखो, हर एक यूट्यूबर का वीडियो देखो, अभी सबका चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पहला वाला जो पुराना वाइब्स था वो गाइस रिटर्न आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी हमारा जो फ्री फायर है जो इमोशन है वो बैक होने वाला है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ ना प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि गाइस देखो, उनको भी तो ये गुड न्यूज मिलना चाहिए ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि फ्री फायर मतलब अनबैन होने वाला है। और गाइस देखो, अगर आप लोगों को सीएस रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के मैच जीतना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को फ्री फायर में अनलिमिटेड डायमंड्स लेना है उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो, टाटा बाय बाय, पीस।